हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौम्या तिवारी। मैं एक सांकेतिक द्विभाषीय हूँ। मैं एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हूँ। मैं दिव्यांगजन उनकी भाषा जो वो बोल सुन नहीं सकते उनको ट्रांसलेट करने का, उनको समझाने का काम करती हूँ सांकेतिक भाषा के थ्रू। मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ। 3-4 साल से मैं इस एनजीओ में काम कर रही हूँ और इस फील्ड में काम करते हुए मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं। फ्रीलांस वर्क भी मैं करती हूँ। इस दौरान, अपनी जर्नी के दौरान, मैंने बहुत कुछ देखा, सीखा और समझा। मैं भी 24 साल की हूँ। 19 साल से मैंने काम शुरू कर दिया था दरमियान, तो मुझे ये काम करके बहुत ही अच्छा लगता है। और जितने भी दिव्यांगजन मेरे भाई बहन हैं उनकी मदद करना, जो भी हो सकता है सपोर्ट करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस हैं जो मैंने खुद फील करा और फेस करा। जैसे मेरी बहन है, वो बोल और सुन नहीं सकती है। उसकी जो रुचि है वो मेकअप आर्टिस्ट है। वो एक बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन जब भी, मतलब उसने शराब से इनसे कोर्स भी करा और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह से उसने कोर्स करा है। एंड अपना काम, उसका हाथ जो प्रैक्टिकल करती है वो बहुत ही अच्छा करती है। मतलब एक अगर कंपैरिजन करें एक नॉर्मल पर्सन की जो बोल और सुन सकता है और जो डेफ है वो जो बोल और सुन नहीं सकती, इसे देख के जो उसने कुछ जो भी कुछ सीखा तो उसके दौरान वो बहुत ही अच्छा काम करती है। उसके हाथ में बहुत ही अच्छी सफाई है। मैंने बहुत सारे जो भी बड़े बड़े फेमस, मैं नाम नहीं लूँगी, बट फेमस ऐसे बहुत सारे सैलून हैं, बहुत सारे ऐसे मेकअप हमारे ये स्टोर्स हैं, उन सब में मैंने बात करी, उसका रिज्यूम शेयर करा, उसका काम दिखाया कि कोई भी नौकरी हो उनके लिए, वो बोल और सुन नहीं सकती हैं, कोई भी काम हो तो आप बताइए, आप सैलरी कुछ भी देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनको एक एम्पावर के लिए कि हाँ वो भी कुछ कर सकती हैं, वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं इतना स्किल सीखने के बाद। तो सब ने पहले जब उनको पता चला कि वो डेफ है तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम किसी बधिर को जो बोल और सुन नहीं सकता उसको काम नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है, एक दो जगह और पता करा, उन्होंने भी मना करा, बहुत सारी शोर सिफारिश करी, सब ने मना कर दिया। तो बहुत बुरा भी लगा ये देख कर कि अभी भी इतनी डेवलप हम लोग नहीं हो पाए हैं कि हम किसी की स्किल को ना देखते हुए उसकी दिव्यांगता को देख रहे हैं। तो जहाँ मैं काम करती हूँ, हमारे हम लोग जो जिनको नौकरी देते हैं बेसिकली वो देते हैं हम लोग जो बोल सुन नहीं सकते या जिनको दिखाई नहीं देता, जिनके हाथ पैर में दिक्कत है उनको। लेकिन जो हमारे पास सेक्टर है वो लिमिटेड है। अभी IT, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी में देते हैं। मैंने सोचा कि ये तो सिर्फ मेरी बहन के साथ है, मेरी जो बहन है बेटी उसके साथ ही समस्या आ रही है। लेकिन ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो कि चाहती होंगी कि वो मेकअप सीखे भी, है ना, क्योंकि सबको सुंदर बनना एक ये भी एक स्किल है जो सबको बहुत पसंद होती है। या वो भी मेकअप करे, अपना करे या मेकअप सीखे। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं या फिर जो भी हमारे हैं वो कि ना उनको सिखाने में इंटरेस्टेड है, पैसे दे के भी सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि मैंने एक जगह और बात करी थी जहाँ पे मैंने बोला था कि अगर आप प्लेसमेंट देते हैं तो आप 50-60 हज़ार रुपये लीजिए, आप दोबारा से उनको सिखाइए और वो सीखने को तैयार है, आप जो भी उनको बताएंगे वो देख के समझ लेंगे, नहीं तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में मैं उनको साइन लैंग्वेज से समझा दूँगी। पर उन्होंने मतलब पैसे लेकर भी उन्होंने सिखाने से मना कर दिया। रीज़न सिर्फ ये था कि वो दिव्यांग थी। ये सुन के इतना बुरा लगता है ना कि आज भी लोगों की इतनी छोटी सोच है कि उनको लोगों की सिर्फ दिव्यांगता दिखती है, उनकी स्किल, उनकी नॉलेज, ये सब उनकी काबिलियत, ये सब नहीं दिखती है। वरना मैंने खुद, मैं इस फील्ड में हूँ, मैं खुद मीडिया में भी काम करती हूँ, तो मैंने वहाँ देखा है कि भाई लोग मेकअप करते हैं ऐसा इतना, मतलब मैं बोल नहीं सकती, इतना बेकार मेकअप करते हैं, वो इतने अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बस बोल सुन सकते हैं, और जो लोग बोल सुन नहीं सकते वो इतना अच्छा करने के बावजूद उनको कोई राह, कोई रास्ता नहीं मिलता। तो ये सब देख के बहुत बुरा लगता है और मैं वैसे ही बहुत इमोशनल हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। तो मैंने सोचा है कि मैं एक स्टार्टअप करती हूँ जहाँ पे जितने भी दिव्यांग हैं, जितने भी बोल और सुन नहीं सकते हैं ऐसे बच्चे हैं या जिनके हाथ पैर में कोई दिक्कत है, वो अगर इस फील्ड को, अपनी स्किल को, मेकअप वाली स्किल को अगर आगे लेके जाना चाहते हैं, वो सीखना भी चाहते हैं, तो हम उनको सिखाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा उनको।
उसके बाद उनकी प्लेसमेंट भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उनकी प्लेसमेंट भी लगवाएं, नहीं तो हम उनको पहले सिखाने पे फोकस करेंगे ताकि वो अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सके। तो अगर आप लोगों में से कोई भी है जो स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहता है या फिर अभी मेरे पास मेंबर्स नहीं है तो अगर वो इन्वॉल्व होना चाहता है मेरे साथ, अगर वो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड है इस आइडिया के लेकर, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टा एंटी आपको मेंशन हो रहा होगा नीचे, सौम्या तिवारी इंटरप्रेटर, अदरवाइज़ आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पे जाके मैं रिप्लाई कर दूँगी।